हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं अलमानिया टेक चैनल। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप कैसे, अगर आप अपने फ़ोन पे ऐप से आप किसी को भी पैसा भेजना चाहते हो ऑल ओवर इंडिया, उनका कोई सा भी बैंक हो, तो आप कैसे बहुत ही आसानी वे में आप किसी भी बैंक में आप फ़ोन पे की हेल्प से आप पैसे को भेज सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो के साथ पूरा बने रहिए, वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले आपको अपना फोन पे ऐप कर ओपन करना होगा। मान लीजिए आपने फोन पे ऐप पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ है, इसके साथ ही आपने साइनअप वगैरह किया हुआ है। अगर आपने साइनअप वगैरह नहीं किया तो आप बहुत ही ईजी वे में साइनअप कर सकते हो। स्पेशली आपने जाना है फोन पे ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, या फिर अगर आप एंड्रॉयड यूज कर रहे हो तो फोन पे प्ले स्टोर से आपका डाउनलोड होगा। अगर आप iOS यूज कर रहे हो बोले तो आईफोन, तो वहां पे आपको ऐप स्टोर से डाउनलोड करना होगा। आप सक्सेसफुली डाउनलोड कर लेंगे तो डाउनलोड करने के बाद जब आपसे साइनअप के लिए मोबाइल नंबर देना होगा, वहां पे आप साइनअप कर जाएंगे। तो यहां पे जब आप फोन पे ऐप से पैसा भेजना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से आपका पूरा का पूरा इंटरफेस ओपन होकर आएगा। आप यहां पे देख सकते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। आप मान लीजिए आपके पास आपके किसी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या फिर कलीग्स ने आपको अपना IFSC कोड और अपना अकाउंट नंबर और नाम दे दिया है, तो अब आपने उसे भेजना कैसे अपने फ़ोन पे ऐप से। यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। तो सिंपली आपने क्या करना है, फ़ोन पे ऐप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको टू अकाउंट का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो सिंपली आपने टू अकाउंट पे क्लिक कर देना है। आप जैसे टू अकाउंट पे क्लिक कर देंगे तो आपकी स्क्रीन के सामने कुछ इस तरीके से नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐड बैंक अकाउंट। सो सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप दो से तीन चीज़ें बिल्कुल रेडी रखिएगा, लाइक एज उनका नाम, उनका IFSC कोड और उनका अकाउंट नंबर। जैसे कि ये देखिए, पहला ऑप्शन जो आ रहा है वो IFSC कोड का आ रहा है, तो यहाँ पे आपने उनका IFSC कोड डाल देना है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक दिखाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ डेमो के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने IFSC कोड डाल दिया है, ICICI बैंक का है, न्यू दिल्ली का है। तो इसके साथ ही यहाँ पे आपने अकाउंट नंबर डाल देना, उनका अकाउंट नंबर डालना है जिसको आपने भेजना है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि ये देखिए। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर उसके बाद एक बार फिर से यहाँ पे आपने कन्फर्म कर देना वही जो भी अकाउंट नंबर आपने यहाँ पे दिया हुआ था। जैसे इस तरीके से आप डाल देंगे, उसके बाद आपने यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम, वहाँ पे अकाउंट ओपन करते समय उन्होंने जो भी स्पेलिंग दिया हुआ था, जो भी नाम दिया हुआ था, वहाँ पे आपने ये नेम यूज़ करना है। जैसे कि ये देखिए, जो मेरा नाम है वो कुछ इस तरीके से है, तो मैंने अपना नाम कुछ इस तरीके से लिख दिया। इस तरीके से लिखने के बाद अगर आपको यहाँ पे कुछ और भी डिटेल्स भरने को ऑप्शन मांगता है, जैसे कि उनका मोबाइल नंबर वगैरह अगर आपको पता है, तो यहाँ पे आप उनका मोबाइल नंबर आप दे सकते हो, कोई सा भी जो आपको पता हो। तो करने के बाद आपने सिंपली इस पर करना है। उसके बाद अगर आप उनको निकनेम देना चाहते हो, जैसे कि मान लीजिए घर का कुछ और नाम हो, या फिर आपका भाई है, छोटा भाई है, तो जैसे इस तरीके से ये मेरा नंबर है, तो मैं यहाँ पे myself मान लीजिए, यहाँ पे निकनेम मैंने myself दे दिया, या फिर आपका जो भी नाम है यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए मेरा पूरा नाम तो शमशाद अली है, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ अली दे दिया है। तो अली देने के बाद सिंपली हमें कन्फर्म कर देना है। यहाँ पे आपने अपनी डिटेल भरने के बाद आपने इसे कन्फर्म कर देना है। अब जैसे इस तरीके से कंफर्म कर देंगे तो आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से वो डिटेल ऐड हो चुका है। अब आपने क्या करना है, सिंपली अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ अमाउंट यहाँ पे डाल देना है। आप जो भी अमाउंट भेजना चाहते हो उनके अकाउंट में, तो यहाँ पे आपने अमाउंट डालना है। अमाउंट आप जैसे ही डालेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से ऑलरेडी UPI हमारा डिडक्ट होगा, तो जस्ट आपने एक क्लिक कर देना है। एक क्लिक करने के बाद जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं सेंड का ऑप्शन। अब जैसे मैं UPI पिन डालूंगा और यहां पे डन करूंगा, वैसे आपको UPI पिन, जैसे मैं वहाँ पे UPI पिन डालने जाऊँगा तो वो आपका स्क्रीन दिखेगा ना। सो इसकी वजह से मैं UPI पिन नहीं डाल रहा हूँ, मैं यहीं पे आपको डिटेल दिखा दे रहा हूँ। आप जैसे ही यहाँ पे आप पिन डाल दोगे, UPI यहाँ पे सेंड पे जाने के बाद UPI पिन डालेंगे,
तो वहाँ पे आपका जो पैसा है वो उनके अकाउंट में चला जाएगा, तो बहुत ही आसानी वे में। यहाँ पे आप एक पैसे भेजते समय आप बहुत ही आसानी वे में वहाँ पे आप एक चीज़ केयर कीजिएगा, जैसे कि अकाउंट नंबर ना गलत हो और आईएफएससी कोड, क्योंकि अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड गलत हुआ तो पैसा आपका किसी और के अकाउंट में चला जाएगा, और जब किसी और के अकाउंट में चला गया तो आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा पैसे को वापस लाने के लिए। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि अगर आप फ़ोन पे यूज़ करते हो तो आप कैसे बहुत ही आसानी वे में आप किसी के पास भी किसी के भी बैंक के सर्विस प्रोवाइडर को आप कैसे पैसे भेज सकते हो। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, अपने दोस्त अली को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।